एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। खबर नसरुल्लागंज से है, जहां पर पंडित मनोहर शर्मा द्वारा भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पंडित मनोहर शर्मा का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर शासकीय अस्पताल बना दिया गया है और शेष भूमि पर रवि मालवीय के परिवार वालों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लगातार शिकायतों के बाद सुनवाई न होने से तंग आकर खातेगांव निवासी मनोहर शर्मा ने अब राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, जिसमें इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई है। नसरुल्लागंज से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। अपना परिचय दे पहले तो। मेरा नाम मनोहरलाल शर्मा है, मैं ग्राम जियागांव का रहने वाला हूँ, वर्तमान में खातेगांव रहता हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन ग्राम गोपालपुर तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर में है। मेरे दादाजी चार भाई थे, जिनके चार हिस्से में 10 एकड़ जमीन आई थी, जिसमें से सीताराम जी के हिस्से में 10 एकड़ आई थी। उनके दो लड़के थे, एक बड़े का नाम था राकेश और दूसरे का नाम था दिनेश। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद इस जमीन को हम लोगों ने हमारे नाम से करवाने की प्रक्रिया शुरू करी। जब मौके में जाके देखा तो भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय के द्वारा हमारी निजी जमीन पर शासकीय अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है और जो शेष भूमि है उसका उपयोग रवि मालवीय का परिवार कर रहा है। हमारे द्वारा जब जमीन की मांग की गई तो तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज के कार्यालय में आवेदन लगाया गया, जो आवेदन भी हमारा खारिज कर दिया गया राजनीतिक प्रभाव से। दूसरा आवेदन उस एसडीओ साहब के कार्यालय में लगाया गया, वो भी राजनीतिक प्रभाव से खत्म कर दिया गया। इसके बाद हमें न्यायालय की शरण लेना पड़ी। वर्तमान में न्यायालय में हमारा प्रकरण विचाराधीन है। हमारे शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि हमारी जो जमीन पर अस्पताल बना है उसका मुआवजा हमें दिलवाया जाए और हम गरीब ब्राह्मणों की मदद की जाए। कितने वर्ष पुराना है ये पूरा प्रकरण जो आप बता रहे हैं? जमीन कितनी पुरानी है? जमीन 10 साल पुरानी है। इससे पहले आपके पूर्वज करते थे? हाँ, हमारे पूर्वज करते थे। पूर्वज करने के बाद उनके पुत्र करते थे जी। अब दोनों खत्म हो जाने के बाद हम लोगों का उत्तराधिकारी बनते हैं उसका, तो हम लोगों ने न्यायालय में मांग की। जमीन कहाँ पे है इस समय? इस समय जमीन ग्राम गोपालपुर तहसील नसरुल्लागंज जिले सीहोर में है। कहाँ पे पड़ती है, मतलब गोपालपुर के किस हिस्से में आपकी जमीन आ रही है? सीधे डायरेक्शन में। हाँ, बैठे हैं ना, ये सीधे है, सीधे रोड से सामने बजरंग मंदिर के पास। मतलब ये माना जाए कि बालाजी मंदिर है उसके पास जमीन है? हाँ, रोड पे है। हाँ। अस्पताल कहाँ बन गए हैं? अस्पताल हमारी जमीन में बना दिया गया है, जो जमीन दिनेश के नाम से कागजों में दर्ज है। तो इसकी भी आपने खसरा खतौनी वगैरह निकाली? पूरी खसरा खतौनी लेके और न्यायालय में पेश किए गए पूरे डॉक्यूमेंट्स, जिले से स्तर से भी लाए गए हैं। जो हमारे पूर्वजों के नाम से जमीन थी, चारों भाइयों के नाम, पांचों भाइयों के नाम से, वो भी रिकॉर्ड हमने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। तो इसके लिए आपने कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया क्या? कलेक्टर महोदय को भी उसमें सूचना दी, हमने नोटिस दिया। स्वास्थ्य विभाग को भी नोटिस दिया, जिन लोगों ने प्लाट खरीदे उनको भी दिया, रवि मालवीय के लोगों को भी नोटिस दिया है। तो 13 लोग इसमें पार्टी है। 13 लोगों को पार्टी बनाए, आपके तरफ से कितने लोग हैं इसमें? हम 3 लोग हैं। मेरा नाम मनोहरलाल शर्मा है, मेरे काका है जगदीश चंद्र गेंद्रलाल शर्मा, दूसरे का नाम है जगदीश चंद्र हरिगोपाल जोशी। अब ये कहाँ है इस दो लोग जैसे? एक तो मनोहरलाल शर्मा है, मैं ग्राम जियागांव का रहने वाला हूँ, वर्तमान में खातेगांव में निवास करता हूँ। मेरे पूर्वजों की जमीन ग्राम गोपालपुर तहसील खातेगांव नसरुल्लागंज जिला सीहोर में है। मेरे पूर्वजों की जमीन रवि मालवीय के परिवार के द्वारा राकेश पिता सीताराम ब्राह्मण निवासी गोपालपुर की 5 एकड़ जमीन खरीद ली गई थी। इसके पश्चात शेष जमीन 5 एकड़ दिनेश पिता सीताराम ब्राह्मण के नाम से थी, उसमें से भी रवि मालवीय के परिवार ने 1 एकड़ जमीन खरीद ली। शेष जमीन 4 एकड़ बची, जिस पर रवि मालवीय के परिवार के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उस पर शासकीय अस्पताल का निर्माण करा दिया गया। हमारे द्वारा न्यायालय, तहसीलदार, SDM, इनके राजनीतिक, ये जिले के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, इसलिए इनके राजनीतिक प्रभाव से तहसीलदार और SDM ने भी हमारी आवेदन को खारिज कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, शासन से भी निवेदन किया, मगर मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने अब यह निर्णय लिया कि मेरी पैतृक जमीन दूसरे लोग नहीं खावे, इसके लिए मैं भी माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय से इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मांगी है। मिलने पर जानकारी।